ये सबक नंबर 28 है और पार्ट नंबर 6 है, लेसन नंबर 28 उर्दू सेंटेंस विद तनवीन पार्ट 6 है। जो लोग पार्ट 5 नहीं देखे हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, वहां पर पार्ट 5 की लिंक मौजूद है। यहां पर बताया जा रहा था तनवीन हरूफों के साथ तनवीन वाला हरफ कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है और जुमलों में कैसे जोड़ा जाता है। तो अब यहां पर देखें, खालिद को इत्तेफाकन माल मिल गया, इत्तेफाकन, ये देखिए खालिद को लाम दाल, खालिद को काफ वाव जोड़ के खालिद को इत्तेफाकन, ये देखिए अलिफ इत्तेफाकन, ता फा अलिफ फा पर एक नुक्ता, ता पर दो नुक्ते और ता पर तशदीद, खालिद को इत्तेफाकन काफ अलिफ दो जबर कन इत्तेफाकन माल मिल गया। ये देखिए मीम अलिफ जबर मा साथ में लाम माल मिल गया, मीम लाम जेर मिल मिल गया गाफ या अलिफ इत्तेफाक, खालिद को इत्तेफाकन माल मिल गया। अब यहां पर देखिए तनवीन वाला हरफ है। इसी तरह बड़ों की बात पर फौरन अमल करो, बड़े जब भी कोई बात बताते हैं तो फौरन मान लेना चाहिए, बड़ों की नाफरमानी से दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद होती है। देखिए बड़ों की बात पर, बड़ों बड़ों देखिए वाव नूने गुना, बड़ों की काफिया की बात पर बा अरिफ्ता, बात पर पारा पर फौरन देखिए बिला ताखिर के फा रा अलिफ तनवीन, फौरन अमल करो, ऐन मीम काफ रा, बड़ों की बात पर फौरन अमल करो, ये देखिए रन फौरन तनवीन है। तो जब भी तनवीन का कोई उर्दू वाला लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो आखिर में अलिफ अलिफ आता है, उस पर दो ज़बर आ जाता है। तो बड़ों की बात पर फौरन अमल करो, किसी से जबरन काम मत लो, ज़बरदस्ती किसी से किसी की चाहत के बगैर काम मत लो। देखिए किसी से काफ सीन या मिलाकर सब, किसी से जबरन जीम बा, किसी से जबरन काम मत लो, काम काफ मीम काम मत लो, ये देखिए मीम ता मत लो लाम वाव, किसी से जबरन काम मत लो। देखिए इसके अंदर जो है तनवीन के साथ अल्फाज कैसे लिखे जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, ये आपको बताया गया। तो लिहाजा आप इसको एक लाइन को सिंगुलर कॉपी पे हेडलाइन बनाएं और पेंसिल से एक लाइन छोड़कर एक लाइन सेम उसको पूरे सफ़े पर लिखते जाएं। इस तरीके से आप उर्दू और लिखना और पढ़ना सीखें, खुद भी सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस आप तक पहुँच सकें।